हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी एंड वेलकम टू मिशन वर्दी, जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं एमसीक्यू की मदद से। तो ये जो सीरीज़ है आपके 67th बीपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य सभी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ही ध्यान से आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हैं और आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है, वेयर डिड ताइवान इस्टेब्लिश इस फर्स्ट इंडिपेंडेंट पोलिटिकल ऑफिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंडिया इंक्लूडिंग यूएसए, तो सभी जो कंट्रीज़ है, लगभग सभी कंट्रीज़ वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करती है, फेवर करती है। और वन चाइना पॉलिसी जो कहता है कि ताइवान जैसी कोई कंट्री है ही नहीं, वो लोग ताइवान को ताइवान ना कह के तापाई कहते हैं, कहते हैं कि उनका एक प्रोविंस है और ताइवान को कुछ छूट मिली हुई है कि वो किसी अन्य कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेड रिलेशन, टूरिज़्म रिलेशन रख सकता है, पर ताइवान वर्ड यूज़ नहीं होगा। इंस्टीट्यूट क्या यूज़ होगा? तापाई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है कि इनमें से किस कंट्री ने ताइवान का फर्स्ट इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑफिस, ठीक है, वो अपने कंट्री में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है ताइवान के नाम से ही, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है यूक्रेन, पोलैंड, लिथुएनिया, तंजानिया। राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लिथुएनिया। लिथुएनिया अप्रूव्स लॉज टू अलाउ फॉर ताइवान ट्रेड ऑफिस। लिथुएनिया ने अपने यहाँ लॉज को वहाँ पे अप्रूव किया है, चेंज किया है कि वो ताइपाई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इंस्टीड ताइवान शब्द यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म हैज़ बीन अनवेल्ड इन। तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल कहाँ पे अनवेल किया गया है? ऑप्शन है थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान या चाइना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर अनवेल्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म, इसकी जिसकी कैपेसिटी है 60 मेगावाट। इसमें टोटल 1,22,000 पैनल्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कीम नेम्ड माथ्रू कवचम टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन अगेंस्ट COVID-19 टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन्स इन अ स्टेट इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने माथ्रू कवचम स्कीम इंट्रोड्यूस किया है अपनी स्टेट में फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन? ऑप्शन है कर्नाटका, यूपी, केरला या तेलंगाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरला। केरला टू लॉन्च मातृ कवचम कैंपेन टू वैक्सीनेट प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट COVID-19 वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है निपुण भारत, ये स्कीम किसके लिए है? ऑप्शन है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, फॉर डेली वेज वर्कर, फॉर स्कूल स्टूडेंट या फॉर एल्डर पीपल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर स्कूल स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो निपुण भारत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म है इसका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम थर्ड इंडियन अमेरिकन वुमेन टू फ्लाई इन टू स्पेस। जैसे कि आपको पता है कल्पना चावला थी, सुनीता विलियम्स, और ये अब थर्ड बनी है जो इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने स्पेस में फ्लाई किया है। ऑप्शन है ज्योति नायक, शिरीषा बांदला, जूलिया डिमार्क रनु या डी नवदीप कौर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शिरीषा बांदला, बिकम थर्ड इंडियन अमेरिकन वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस। ये आंध्र प्रदेश की है और जिस मिशन पर ये गए थे उसका नाम था यूनिटी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट वाटरलेस न्यूक्लियर रिएक्टर यूजिंग। तो चाइना अभी तक, जैसा कि आपको पता है, वाटर यूज़ किया जाता है, ठीक है, हैवी वाटर यूज़ किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। तो चाइना बनाने वाला है दुनिया का पहला वाटरलेस न्यूक्लियर रिएक्टर, किसका यूज़ करके? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या प्लूटोनियम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। थोरियम यूज़ किया जाएगा इंस्टीड ऑफ यूरेनियम। चाइना सेट टू बिगिन फर्स्ट ट्रायल ऑफ अ वाटरलेस न्यूक्लियर रिएक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस लिंक पे क्लिक करके और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ऑप्शन है एयर मार्शल नवीन पाठक, एयर मार्शल विवेक चौधरी, एयर मार्शल संदीप सिंह या एयर मार्शल राम कुमारन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल संदीप सिंह टेक्स चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, 1 अक्टूबर को इनको मतलब अपॉइंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वॉन दी हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021? हु वॉन दी हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021? ऑप्शन है कौशिक बासु, सुदीप बनर्जी, रंजन पटनायक या श्रीनिवासन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कौशिक बासु। इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु को यहाँ पे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हो आप। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन अवार्ड एट द फिल्मलाइन फेस्टिवल इन 37 ईयर? तो 37 साल बाद किस इंडियन फिल्म को फिल्मलाइन जो फेस्टिवल होता है वहाँ पे अवार्ड मिला गया है? ऑप्शन है जलपरी, शीर कोरमा, टॉर्च लाइट या कोविड-19। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शेर कोरमा। तो स्वरा भास्कर और दिव्या दत्ता, ये जो इनकी फिल्म है इसका नाम है शेर कोरमा, इनको फिल्मलाइन फेस्ट में क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्टिस्ट हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग एट द स्कैनिस फिल्म फेस्टिवल? तो अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग करके एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसको कैनिस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का। तो किस आर्टिस्ट ने इसको यहाँ पे डायरेक्ट किया था? ऑप्शन है दिव्या भट्ट, सौम्या कपूर, पायल कपाड़िया या स्मृति देशमुख। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पायल कपाड़िया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पायल कपाड़िया विन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इन कैनिस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर्स को। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी री अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।